हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टे न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सेबी की तरफ से दोस्तों ये हमारे पास बड़ी अपडेट आ चुकी है कि 5000 वाले प्रोसीजर में निवेशकों को पैसा जो वापस किया गया है, कितने निवेशकों को वापस किया गया है, ये बड़ी न्यूज़ दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर क्या है। बाजार नियामक सेबी मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मंगलवार को कहा कि पीएसएल पल्स इंडिया लिमिटेड के मामले में 5000 रुपये तक के दावे वाले 2,77,000 से अधिक निवेशकों का पैसा वापस कर दिया गया है। पीएसएल ने कृषि और रियल इस्टेट कारोबार के नाम पर लोगों से धन जुटाया था। सेबी ने पाया कि कंपनी ने अवैध सामूहिक निवेश योजना ISS के जरिए 18 साल में निवेशकों से 60,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जुटाई। आगे खबर है कि सेवानिवृत्ति न्यायाधीश RM लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति ने दो जनवरी 2018 से 31 मार्च 2018 तक तथा 8 फरवरी 2019 से 31 जुलाई 2019 में उन निवेशकों का पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जिन्होंने PSL में पैसा लगाया था। भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड सेबी ने एक बयान में कहा कि दूसरे चरण की धन प्रक्रिया में 2,77,544 निवेशकों के 5,000 रुपये तक के दावे किए थे। पहले चरण में 2,500 रुपये तक का दावा करने वाले 189,103 निवेशकों को पैसा लौटाया गया। निमायक ने यह भी कहा कि 5,000 रुपये तक के दावे वाले कुछ आवेदनों का निपटान नहीं किया जा सका। इसका कारण आवेदन फॉर्म में कुछ कमियां थी। सेबी के अनुसार समिति भी ऐसे ही निवेशकों को एक और मौका देगी और उनके लिए तारीख अधिसूचित की जाएगी। उल्खेन न्याय की नियामक ने कंपनी द्वारा निवेशकों का पैसा लौटाने में विफल रहने के बाद दिसंबर 2015 में PSL और उसके 9 प्रवर्तकों तथा निदेशकों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिया था। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहां पर कंपनी के ऊपर ये एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि कंपनी पैसा देने में विफल रही। तो दोस्तों ये एकदम झूठी खबर है, कंपनी पैसा देने में कहीं विफल नहीं रही। कंपनी को 2 महीने के अंदर निवेशकों का पैसा किस तरीके से लौटा सकती थी, जबकि 5,85,00,000 निवेशकों की देनदारी 2 महीने के टाइम में नहीं लौटाई जाती। दोस्तों इनके ऊपर सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया गया, इनकी संपत्तियां और इनके अकाउंट खातों को सीज करने के बाद इनको कहा गया कि 2 महीने के अंदर निवेशकों का पैसा दे दो। दोस्तों ये बिल्कुल गलत इस तरीके की न्यूज़ आ रही हैं जिससे ये पता चलता है कि कंपनी का ही सब कुछ कसूर है। तो दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टे न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको इसलिए दी गई है ताकि आपको ये पता चल सके कि 5,000 तक के निवेशकों का पैसा अब तक कितने निवेशकों तक पहुंच गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपका अगर पैसा मिल गया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और नहीं मिला तो दोस्तों तब भी लिखें। धन्यवाद।